इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद इस मुलाकात के अहम मायने माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार से लेकर अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो नतीजों के बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं आज जो संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक बैठक होनी जा रही है। माना ये जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच कुछ अहम बातें भी हो सकती हैं। एक तरफ इसे शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में पार्टी के प्रदर्शन और राम नगरी अयोध्या में पार्टी की हार को लेकर भागवत और योगी के बीच बात होने की भी संभावना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसे 80 में से केवल 33 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। 5 दिन के प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 14 जून को पथ संचलन की सलामी ली और ये कहा कि संघ के विस्तार की जरूरत है और इसके लिए कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको मिलकर काम करना होगा। 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में हर गाँव हर प्रखंड तक संघ का विस्तार हो, यही प्रयास होने चाहिए। आज मोहन भागवत की सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात है। अब ऐसी चर्चाएं हैं कि कई गंभीर मुद्दों को लेकर आज दोनों के बीच में बातचीत होगी। वहीं आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने अब बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे उसके अहंकार को कारण बताते हुए तंज कसा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देखिए, जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी, लेकिन उन लोगों में धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। प्रभु का न्याय विचित्र नहीं, सत्य है और बड़ा आनंददायक है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक बने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर अब खलबली, बेचैनी, चिंता और चिंतन देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आज गोरखपुर में अहम बैठक है जिसमें संभावना ये जताई जा रही है कि हार को लेकर चर्चा हो सकती है और पार्टी को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत भी गांव और प्रखंड तक अपना विस्तार करने की बात कह रही है। लेकिन वहीं आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा है और ये कहा है कि अहंकार के कारण ऐसा हुआ, जिसके कारण पार्टी को लेकर कुछ मनमुटाव भी नजर आ रहा है। आने वाले समय में बीजेपी क्या लोगों का दिल जीत पाती है और बहुमत के साथ सत्ता में आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मोहन भागवत की बातों से ऐसा लग रहा है कि अब हर तबके तक पहुँचने की कोशिश होने वाली है। तो देखिए, आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये मुलाकात किन मायनों में खास और अहम हो जाती है, और दूसरी तरफ हमने आपको सुनाया कि आखिरकार इंद्रेश कुमार ने क्या बयान दिया
खबर क्या है वो आप जान लीजिए। मोहन भागवत से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात होने वाली है। इस तरह का प्रदर्शन आखिरकार क्यों बीजेपी का यूपी में रहा, उसको लेकर भी मंथन होगा। चुनावी नतीजों पर चर्चा भी हो सकती है कि आखिरकार इच्छा अनुसार रिजल्ट क्यों नहीं आया, उम्मीदों के अनुरूप रिजल्ट क्यों नहीं मिला। इंद्रेश कुमार ने अहंकार इसकी वजह बताई थी, उन्होंने कहा था कि अहंकार इसकी एक बड़ी वजह है और भगवान राम ने न्याय किया है। तो मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होगी, तो बात हम मुलाकात के मायनों को भी लेकर करेंगे, उनके महत्वपूर्ण को उसके महत्व को लेकर भी करेंगे कि क्यों जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसमें क्या मंथन हो सकता है, क्या चर्चा हो सकती है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। संघ के विस्तार को लेकर एक ज़रूरत मोहन भागवत ने बताया, उन्होंने कहा है बाकायदा अपने बयान में कि अब विस्तार की ज़रूरत है, संघ के विस्तार की ज़रूरत है, तो क्या इसको लेकर कुछ बदलाव या फिर कोई रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा उस बयान को लेकर भी होगी जिसमें इंद्रेश कुमार ये कहते हैं कि अहंकार धीरे धीरे पार्टी में आ गया, जिसने राम मंदिर बनाया, जो राम की भक्ति करते हैं उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उनके अहंकार को तोड़ा है और न्याय किया है और लोगों ने भी सबक सिखाया है और 241 पर रोक दिया है, 234 पर रोक दिया है, वो भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपनी बातों में जिक्र किया है। लेकिन देखिए इसको लेकर लगातार अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। मोहन भागवत अब मुलाकात कर रहे हैं, वो ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पर संघ के साथ चलकर बीजेपी मजबूत हो सकती थी और लगातार उन सीटों पर जहां पर बीजेपी मजबूत हुआ करती थी या फिर बीजेपी और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी वहां पर क्या वजह रही, क्या वहां पर केवल राम मंदिर का मुद्दा था या फिर कोई अन्य वजहें रही जहां पर उतना बेहतर प्रदर्शन उम्मीदों के अनुसार बीजेपी नहीं कर पाई। तो ये काफ़ी अब क्योंकि लगातार अब मंथन हो रहा है, अब बैठकें चल रही हैं क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है अब वो विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता नजर आ सकता है 2027 में विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले अभी से ही एक्शन में लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात होगी, तो क्या इसके मायने निकलेंगे, कैसे दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्या सीटों को लेकर चर्चा होगी, मुद्दे किस तरीके से कितनी प्रमुखता से उठाए गए उनको लेकर चर्चा होगी, आरएसएस यानी संघ के विस्तार को लेकर चर्चा होगी, जैसे कि हमने अब से पहली बार अब से थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि मोहन भागवत अब ये कह रहे हैं अपने बयान में कि अब विस्तार को लेकर वक्त आ गया है, अब संघ के विस्तार की ज़रूरत है और अब विस्तार की तरफ संघ जो है वो आगे बढ़ेगा, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि इस बार हमने देखा और रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आ रही हैं कि संघ की जो इनएक्टिवनेस थी वो हमने देखी कि उतनी प्रोएक्टिव लेवल पर संघ जो था वो नज़र नहीं आया। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी रैलियों में ये कहते हुए नजर आए कि अगर अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैचारिक सुझाव के तौर पर संघ का साथ ले सकते हैं, वरना तो हमारी पार्टी इतनी सक्षम और मजबूत है। तो क्या ये उसका नतीजा रहा जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया या फिर प्रदर्शन अपनी पार्टी का किया यूपी में, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि श्री राम ने न्याय किया है, उसके बयान को भी हम लेकर चर्चा करेंगे, उनके बयान के क्या मायने निकाले जाते हैं। हालांकि अब इंद्रेश कुमार कहते हैं कि मैंने विपक्ष को लेकर ये बयान दिया, लेकिन उन्होंने 241 का भी जिक्र किया। हम ये भी बात करेंगे अपने खास पैनलिस्ट के साथ कि आखिरकार उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, वजह क्या रही, क्या फैक्टर्स रहे, जिस तरीके से अयोध्या को लेकर खास तौर पर पूरे देश भर में चर्चाएं थी। तो देखिए नतीजों के बाद पहली मुलाकात जब होने जा रही है दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सबकी निगाहें हैं, सबको इंतज़ार है कि आखिरकार जब दोनों नेताओं के बीच में शाम को चर्चा होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, तो आखिरकार इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कोई बड़े फैसले, क्या कोई बड़े बदलाव या फिर कोई बड़ी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है क्या। क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत ये दो टूक कह रहे हैं कि अब विस्तार का समय आ गया है, अब संघ का विस्तार होगा और उसको लेकर क्या कोई नई पहल हो सकती है, जिस तरीके से
यहाँ पर तमाम दलों की तरफ से कहा गया कि अब जनता ने पूरी तरीके से योगी मोदी फैक्टर को नकार दिया है, तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, निकिता फिलहाल मेरी सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। निकिता, अब आपका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। निकिता, क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है आज होने वाली है, आप फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्या चर्चाएं हो सकती हैं, किन मुद्दों को शामिल दोनों नेता कर सकते हैं? देखिए, केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये जो दौरा है गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 जून तक वो गोरखपुर में हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश में एक हार हुई है उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज गोरखपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुलाकात कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि एक अहम जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगी कि इससे पहले मोहन भागवत की अगर बात की जाए तो उन्होंने सोमवार को नागपुर में बीजेपी का नाम लिए बिना ही एक जो संदेश है वो दे दिया था। साथ ही इसे भागवत की भारतीय जनता पार्टी को जो एक नसीहत है, एक एडवाइस है, उसके तौर पर देखा गया था। जिस तरीके से आपको बता दूं कि अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस बैकडोर से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई है। यही एक वजह है कि जो 5 दिवसीय दौरे पर जिस तरीके से मोहन भागवत गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं, हारी हुई जो सीट है पश्चिमी सीट उसकी भी समीक्षा करेंगे, आखिर क्या कुछ कारण थे वहां पर हार के पीछे। और आपको ये भी बता दूं कि काफी दिनों के बाद मोहन भागवत ने खरी खरी बात की थी और मोहन भागवत अब भी गोरखपुर में ही हैं और हमेशा सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करते नजर आए हैं और इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही कई बातों पर चिंतन भी हो सकता है, समीक्षा भी हो सकती है, कुछ एडवाइजेस भी आगे के लिए दी जा सकती है, क्योंकि अब जिस तरीके से आगामी अगर देखा जाए तो 27 का विधानसभा चुनाव है, उसमें कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी गिरा है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही इसके अलावा यूपी सरकार के कामकाज और राम मंदिर निर्माण की जो प्रगति है, प्रोग्रेस कार्य है, उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो फिलहाल ये तमाम बातचीत है, एक जो दौर है वो हो सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मणिपुर में मामला उठाया था, इसे भागवत की भारतीय जनता पार्टी को नसीहत के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये तमाम जो बातचीत है ये फिलहाल हो सकती हैं। और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये जो मुलाकात है आज मुख्यमंत्री और भागवत की, जो कि फिलहाल अभी हुई नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है ये बेहद अहम हो सकती है। ठीक है निकिता, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर बहुत स्वागत है आप दोनों का, और मेरे सहयोगी सुशील कुमार भी मेरे साथ इस वक्त संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों खास मेहमानों का रुख करूँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं सुशील अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूँ। सुशील, क्योंकि गोरखपुर में दोनों की मुलाकात हो रही है, क्या समय क्या है दोनों की मुलाकात का, मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या क्या समय क्या निर्धारित किया गया है, दोनों की कब मुलाकात होगी? देखिए, इसको लेकर के किसी के पास कोई पुख्ता समय नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुलाकात तो होना है और इस मुलाकात को लेकर के लगातार कयास लगाया जा रहा था कि आज देर शाम के बाद उनकी मुलाकात होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी कि अभी दोपहर में भोजन के वक्त जो है दोनों लोगों की मुलाकात हो सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की आरएसएस प्रमुख। लेकिन अभी तक फिलहाल मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पर जो है एसडीएम पब्लिक स्कूल में मोहन भागवत रुके हुए हैं पिछले 12 जून से, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का मोमेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आज उनकी मुलाकात जरूर होगी, चाहे वो देर शाम हो चाहे वो। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा, मैं जानकारी के लिए आऊंगी आपके पास। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष अग्रवाल जी आवाज मिल रही है आप तक? जी हाँ। मनीष अग्रवाल जी, ये इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि श्री राम ने न्याय किया है, 241 पर अहंकारियों को रोक दिया है, घमंड आ गया था, क्या सच में आपको लगता है क्या कि उनका ये बयान किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्या वाकई में अहंकारी पार्टी हो गई थी क्या? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता है। अब ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये आरएसएस का बयान है, ये तो आरएसएस
के प्रवक्ता बता पाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आरएसएस हमेशा बीजेपी के साथ ही है और रहेगी। आप देखिए कि जो जीत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली है, झारखंड में मिली है, जो आरएसएस के एकलव्य स्कूलों ने देश में काम करा है, नॉर्थ ईस्ट में काम करा है, एजुकेशन पे काम करा है, आदिवासियों में काम करा है, उसका बीजेपी को समय समय पे हर जगह लाभ मिलता रहता है। हाँ, यूपी में जो बीजेपी की हार हुई है उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए, आरएसएस के संग समन्वय बैठक और ज्यादा होनी चाहिए, और हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरएसएस ने बीजेपी के एक संघ समन्वय बैठक जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक में केरल में ऑर्गेनाइज कर दी है, जिसमें आरएसएस का भी शीर्ष नेतृत्व होगा, बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व होगा, और पूरे भारत में जो रिजल्ट आए उस पर मंथन होगा और आगे की स्ट्रेटेजी की प्लानिंग होगी। योगी आदित्यनाथ जी हमेशा आरएसएस की पसंद रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे और आज भी। तो मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी से आज बैठक होगी या आरएसएस के संग जो आगे बैठक होगी, वो बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए लाभकारी होगी, जिससे कि वो अगले चुनावों की तैयारी करेंगे और इस चुनाव में हुई हार की यूपी में समीक्षा करेंगे। यानी कि समीक्षा और साथ ही साथ आगे की रणनीति दोनों पर विचार किया जा सकता है, मंथन हो सकता है। पंकज जी, आपको क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण रह सकता है बैठक में? एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि बयानों को बड़े सोच समझकर देना चाहिए, दलों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटना, अगर बांटेंगे तो फिर नतीजे इसी प्रकार होंगे। दूसरी तरफ इंद्रेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि भाई अहंकारियों को सबक सिखाने का काम और न्याय दिलाने का काम भगवान राम ने किया है और 241 पर रोक दिया है। किस तरीके से आप उनके इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो एक बात ये तय समझ लीजिए कि जिस तरह से मोहन भागवत ने ये बयान दिया, तो मोहन भागवत एक संघ जो है, संघ के 80 अनुवांशिक संगठन है, उसमें भाजपा भी एक अनुवांशिक संगठन है, और भाजपा संघ का संघ जो है भाजपा का अभिभावक है, संघ के बिना भाजपा नहीं चल सकती। और जिस तरह से संघ की अनदेखी हुई, संघ के लोग इस बार उसमें वोटिंग के दौरान नहीं लगे, और जिस तरह से इंद्रेश कुमार ने बयान दिया कि जो है जो संघ के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बयान दिया कि भगवान राम ने न्याय किया है, तो फिर उसके बाद उन्होंने पलटवार भी किया और शाम को उसके बाद उनका दोबारा बयान आ गया। उन्होंने कहा, इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम विरोधी जो लोग थे उनको भगवान ने सबक सिखाने का काम किया। तो इंद्रेश कुमार अपने अपने बयान में सफाई भी दी है, और उनका यह मतलब था कि भगवान राम का जिन लोगों ने विरोध किया, वही उन लोगों को सरकार बनाने से भगवान राम ने रोक दिया। और दूसरी बात ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो पिछले 2019 से 24 में 68 लाख वोटों का इजाफा हुआ है, 0.8% की बढ़त हुई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उससे वोट परसेंटेज जो उनका 23 करोड़ के ऊपर वोट परसेंटेज था, उसमें 68 लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी और कार्यकर्ता जिस तरह से मीटिंगों का दौर भारतीय जनता पार्टी के नेता चलाते रहे और क्षेत्र में नहीं गए, ना विधायक गए, ना सांसद गए, उसी की परिणति हुई कि इस तरह की हार का कारण देखना पड़ा। और भाजपा का वोटर घर से नहीं निकला, उसने वोट नहीं किया। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि कार्यकर्ताओं को जिस तरह से थाने स्तर की बात करें, थानेदार उनके नहीं सुनते हैं, और जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता है, थानेदार घूंक देते हैं, भगा देते हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिली है। तो इन सब चीजों पर जब तक भारतीय जनता पार्टी मंथन नहीं करेगी, तो आगे देखिए अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और 2027 में उत्तर प्रदेश जो देश का बड़ा राज्य है, जहां से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी उसकी भी परिणति वहां पर 2027 में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा और नए नए रणनीति को भी बदला जा सकता है। जिस पिच पर, जिस रणनीति के तहत, जिस फॉर्मूले को लगातार बीजेपी जिस फॉर्मूले पर चली आ रही थी, क्या बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि उन्हें फॉर्मूला बदलने की जरूरत है, उन्हें मुद्दे बदलने की जरूरत है, उन्हें वो पिच बदलने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मुद्दे और पिच पे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो राष्ट्रीय एजेंडा होता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज है कार्यकर्ता, 18 करोड़ जिसके कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ता ही अपने उपेक्षित महसूस करे, नए नए लोग उसको डायरेक्शन दें, और उसके बाद जो महानगर अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है या पार्टी के अन्य लोग हैं, तो वो लोग उसमें खाली वो लोग एसी में बैठ के और विकसित भारत अभियान में अवार्ड प्राप्त करें और कार्यकर्ताओं को सिर्फ नसीहत दे। तो कार्यकर्ता इस बार सड़कों पर नहीं दिखाई दिया, कार्यकर्ता नहीं गया, जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने दिया कि मुसलमानों का दुर्न दर्जे का दर्जा हो जाएगा, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, 400 तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो भाजपा का कार्यकर्ता इसको समझाने के लिए जनमानस के बीच में नहीं गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि भाजपा का सबसे बड़ी बात अमित जी, उनकी बात सुनी नहीं जाती है, जो निचले लेवल के लोग हैं उनकी बात को सुनते नहीं, अधिकारी वर्ग उनकी बात को नहीं सुनते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को तोड़ना होगा, इस मिथक को समाप्त करना होगा कि तभी जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। ठीक है, मनीष अग्रवाल जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। मनीष अग्रवाल जी, आपने कहा था कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पार्टी या फिर कोई दल अहंकारी हो चुका है या फिर उसमें अहंकार आ गया है। हालांकि हर किसी के अपने अपने व्यक्तिगत विचार और बयान होते हैं, उस पर विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन उस पर चर्चा हो सकती है। उसके क्या संकेत है, क्या संदेश है, उन पर चर्चा हो सकती है और होनी भी चाहिए। इंद्रेश कुमार जी ने अपने बयान को जैसे जैसे उनका बयान तूल पकड़ता गया वैसे उन्होंने फिर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष को लेकर बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मेंशन किया था कि हमने 241 पर रोक लिया, फिर 234 पर रोक लिया। तो ये तो साफ तौर पर दिखा रहा था कि उन्होंने बयान किसको किसको लेकर दिया है। लेकिन उन्होंने ये जरूरत बताई है, नसीहत भी उन्होंने दी है कि जल्द ही अगर सुधार नहीं किया तो फिर नतीजे इसी तरीके से रहेंगे, लिहाजा उस पर भी इसमें मंथन होना चाहिए इसमें। और आपके हिसाब से और किन मुद्दों को लेकर मंथन हो सकता है, बातचीत हो सकती है दोनों नेताओं में? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो 9 विधानसभा की सीटें यूपी में रिक्त हुई हैं जो उपचुनाव के लिए जाएंगी, वो डिस्कशन का पॉइंट होंगी कि कैसे बीजेपी इस नैरेटिव को काउंटर करती है कि जो उनकी इस इलेक्शन में हार हुई है वो अपने प्रदर्शन को बेहतर करके आती है। दूसरे शीर्ष नेताओं को इस समय ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए जो कि उनके लिए हितकारी नहीं साबित हो सकते हैं। तीसरे, ये जो प्रचार करा जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या में हारी है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, बीजेपी अयोध्या में जीती है, फैजाबाद की सीट हारी है। अयोध्या में बीजेपी की हार नहीं हुई है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि जहां राम मंदिर बना था वहां बीजेपी की हार हुई है। तो इस चीज का जरूर आत्मंथन होगा। आरएसएस प्रमुख आए हुए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे, वो लोग ये तय करेंगे कि पहले सबसे पहले उपचुनाव में कैसे प्रदर्शन को बेहतर कर रहा है, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या बड़े बदलाव करने चाहिए कि इस टाइप की या इस तरीके की पराजय फिर यूपी में कभी ना देखनी पड़े। ठीक है, मैं पंकज जी का एक बार रुक लेती हूँ। पंकज जी, जब हम चर्चाओं की बात कर रहे हैं, बयानों की बात कर रहे हैं, तो अभी ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान शायद आपको मालूम भी होगा जो काफी सुर्खियों में भी बना हुआ। उन्होंने कहा है बाकायदा बलिया में संबोधित करते हुए अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को कि अब हमने गठबंधन का धर्म निभाया है, हम ये जानते हैं कि कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है और अब पूरी तरीके से योगी मोदी फैक्टर को लोगों ने नकार दिया है, लिहाजा बगावती तेवर आप खुले में और सबके सामने अब हम बगावत का दौर शुरू करेंगे, बगावत हो गया। हालांकि फिर उसके बाद वो अपने उस बयान से पलट गए हैं, उनके उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो आपके ओम प्रकाश राजभर है वो इस तरह के बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, और इसके पहले भी अगर आप देखें तो 2017 के बाद उन्होंने बीजेपी में आए थे, फिर बीजेपी छोड़ के चले गए थे और उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया था, उनके सारे पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति वो समर्पित रहते हैं। तो इस तरह की बात करना कि योगी और मोदी का ग्राफ खत्म हो गया, मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है, तो इस तरह की बात करना। और ओम प्रकाश राजभर, ठीक है 18 जिलों में राजभरों की आबादी है, लेकिन बीजेपी ने भी अनिल राजभर जो बनारस से आते हैं, शिवपुर से विधायक है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और कई लोगों को राष्ट्रपति बजा, तो राजभरों में भी बीजेपी के ऐसा नहीं कि बीजेपी की पकड़ नहीं, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत ओम प्रकाश राजभर को लेकर चलने का प्रयास करती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उसी का परिणाम रहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद दारा सिंह चौहान जो उनको दोबारा से बीजेपी में शामिल करना पड़ा और उसके बाद उनको प्रत्याशी बनाना पड़ा। और हालांकि ओपी राजभर के उस बयान पर भी लगातार बीजेपी जो है वो दो टूक स्पष्ट तौर पर कह रही है कि इस तरह की चीजें जो हैं या फिर इस तरह के जो बयान हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मनीष जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, ओपी राजभर का बयान हो, हालांकि वो इस तरह के बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन उसी बीच ये बैठक होने वाली है, ये मीटिंग दोनों नेताओं के बीच में होने वाली है, तो क्या उसके परिप्रेक्ष्य में भी कोई मंथन हो सकता है क्या कि किस तरीके से आने वाले समय में कई बगावती सुर एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं अगर वो इस तरीके के बगावती सुर दिखाते हैं या फिर से उस तरीके की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में संघ और बीजेपी दोनों किस तरीके से हैंडल करते हैं उस चीजों को या फिर उस परिस्थिति में कैसे अपने रणनीति को आगे बढ़ाते हैं? मनीष अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि आपने शायद गलती से म्यूट कर लिया है, आप अनम्यूट कीजिए।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समन्वय बैठक होगी आरएसएस की और बीजेपी की, इसमें जरूर जो संगठन बीजेपी के साथ या जो दल बीजेपी के साथ जुड़े हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीति पे जरूर डिस्कशन होगा, क्योंकि ये लोग जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते थे वैसा वोट बैंक बीजेपी में ट्रांसफर होता हुआ इस चुनाव में नहीं दिखा, चाहे वो ओपी राजभर जी का हो चाहे वो निषाद जी का हो, क्योंकि उनको उनके दोनों के बेटे अपनी अपनी व्यक्तिगत सीट भी हार गए और पूर्वांचल में भी बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है इस पे जरूर डिस्कशन होगा, इसकी जरूर एनालिसिस होगी कि इनके साथ हमारे कैसे संबंध रहने चाहिए, क्या इनका वोट हमें ट्रांसफर हो रहा है, किस टाइप के बयान पब्लिक में जाके दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं साबित हो रहे हैं। ठीक है मनीष जी, ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों।